हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों का लिखा जोखा इसी जन्म में भुगतना होता है, जबकि कुछ से पुनर्जन्म के लिए छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग यह भी मानते हैं कि भगवान के हाथ में हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार यह कहा जाता है कि हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करते हैं, वही हमारे बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। गरुण पुराण मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाने वाला एक ऐसा पुराण है जहां हमारे कर्मों के हिसाब का संकलन होता है। इसमें अलग अलग नरकों का जिक्र भी है जहाँ हमें अपने पापों की सजा मिलती है। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि वो कौन कौन से नर्क हैं और कौन सी हैं वो सजाएं। अंधात्मस्त्रम नर्क। यह नर्क उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को लाभ या उपभोग की वस्तु समझते थे। यहाँ भी उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। दूसरा है तमिश्रम नर्क। वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं, उनकी आत्मा को इस नरक में बंदी बनाकर यमराज तमिश्रम नामक नरक में लाते हैं। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं, और होश में आने के बाद फिर से उन्हें लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। तीसरा, कुंभी पाकम। दोस्तों, इस नर्क और सजा के बारे से आपने अपरिचित मूवी में देखा और सुना ही होगा। यह बहुत ही खतरनाक नर्क है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या की होती है। इस नर्क में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। चौथा, असिता पत्रम नर्क। अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने वाले और जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों की आत्माएं इस नर्क में लाई जाती हैं। यहाँ उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। पांचवा, कला सूत्रम नर्क। इस नर्क की गर्मी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती है। यहाँ वे आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता है। इस नर्क में उन्हें सजा सीमा समाप्त होने तक रखा जाता है। छठवा, सुकर मुखम नर्क। शासन करने वाले लोग जो दूसरों को सिर्फ अपने हाथ की कठपुतली समझते थे, उनके साथ निर्दयता से बर्ताव करते थे, उनकी आत्माओं को इस नर्क में लाकर कुचला जाता है। सातवा, वैतरणी नर्क। शरीर छोड़ने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, हड्डियों, रक्त, मांस से भरी है। जिन लोगों के पाप अतुलनीय हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया है, दूसरों का दमन किया है, उन्हें मरने के बाद इस नदी के घटकों पर जीवन जीना होता है। आठवा, तप्त मूर्ति नर्क। हीरे जवाहरातों, सोने आदि जैसे बहुमूल्य रत्नों की चोरी करने वाले व्यक्ति की आत्मा सजा पाने के लिए इस नर्क में आती है। यह नर्क आग से जलता रहता है। नौवा है, पुयोडकम नर्क। यह नर्क एक प्रकार का कुआं है जो मानव मलमूत्र, रक्त और अन्य घृणित वस्तुओं से भरा है। वे पुरुष जिन्होंने विवाह किए बगैर दूसरी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उन्हें धोखा दिया, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। दसवां है, अविशी नर्क। यह नर्क उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही देते थे, अपने फायदे के लिए दूसरों को फंसाते थे। इस स्थान पर उन्हें लाकर बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। ग्यारहवां, ललाभ क्षम नर्क। यह सजा उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी को अपना वीर पाने के लिए मजबूर करते हैं। यह कुआं वीर से भरा होता है। यहाँ आने वाली आत्माओं को
सजा की सीमा समाप्त होने तक वीर्य पर ही जीवित रहना होता है। 12वां रौरवम नर्क। इस नर्क में वो आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने ताउम्र दूसरों के संसाधनों पर राज किया है। यहाँ उन्हें सांपों द्वारा कटवाया जाता है। सांपों के द्वारा उन्हें बेइंतहा प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में नर्क और उनकी सजाओं के कुछ अंश ही हमने बताए हैं। ऐसी ही बहुत सी सजाएं हैं। अगर आपको उनके बारे से जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।